हेलो गाइस, आज के लेसन में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ इट्स नो यूज़। जी हाँ गाइस, जब आपको कहना हो कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है या और इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तब आप इट्स नो यूज़ को सेंटेंस में यूज़ करके बना सकते हैं। इट्स नो यूज़ का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ। दिस इज स्वेक्षा एंड वेलकम बैक टू टैलेंट्स इंस्टीट्यूट। तो आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज इट्स नो यूज, फिर जेरेंड। जेरेंड का मतलब होता है गाइस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखना, उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो एग्जांपल देखें, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज गोइंग देयर। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज स्टेइंग हियर। या फिर अगर कहना है रोने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज क्राइंग। इस बारे में बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज आर्ग्यूइंग अबाउट इट। अगर कहना है कि अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज रिपेंटिंग नाउ। खाली बैठने का कोई फायदा नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए, इट्स नो यूज सिटिंग आइडल, वी शुड डू समथिंग। अगर कहना है कि क्या उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, इज इट नो यूज आस्किंग हिम। या फिर मुसीबतों से भागने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। या फिर अगर आपको कहना है कि चिंता करने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज वरिंग। गाइस, जब बात पास्ट कंडीशन की हो, जैसे कोई फायदा नहीं था, तब हम इसकी जगह वॉज का यूज करेंगे। जैसे उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज वेटिंग फॉर हिम। या फिर वहाँ समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज वेस्टिंग टाइम देयर। अगर कहना है कि उसे बताने का कोई फायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज टेलिंग हिम। तो गाइस, If you enjoyed this video, then please do like and share it with your friends. Also subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon. We will meet in next video. Thank you for watching.